आरक्षक ने एक महिला पर बंदूक तानने की कोशिश तो वहीं वन अमला वीडियो बनते ही होने लगे रफू चक्कर। आपको बता दें कि सिमरौद में वन विभाग की टीम ने आदिवासी के पीएम आवास पर चलाई जेसीपी, मकान को गिरता देखकर असहनीय बाल किसान ने लगाई पेड़ से फांसी, बचाने की जगह वन अमला भागा। तो वहीं फॉरेस्ट ने किया नुकसान तो राजस्व विभाग ने कार्यवाही की डर से 1 लाख रुपए की भरपाई। आपको बता दें कि बमौरी तहसील के अंतर्गत आदिवासियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। कई सरकारी महकमा उन्हें प्रताड़ित, मारपीट और बर्बरता पर उतारू है, तो वहीं दबंग लोग उनसे भी आगे हैं। आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने की जगह शासन प्रशासन को बढ़ावा दे रहा है। इसी के चलते धनोरिया में राम प्यारी बाई को दबंगों ने जिंदा जलाया। इसके बावजूद दूसरे सप्ताह में वन विभाग के बीट गार्डों ने जैतपुर गांव के एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट कर डाली। उक्त घटनाओं के बाद बुधवार को वन विभाग का अमला लाओर लश्कर के साथ ग्राम सिमरौद पहुंचा, जहां करीब 4 दशक से निवास कर रहे आदिवासी व्यक्ति के प्रधानमंत्री आवास पर जेसीपी चलाकर धराशायी कर दिया। भिलाला अपने पक्के मकान के सपनों को संजो कर बैठा था और बड़ी मुश्किल से सरपंच सचिव के चक्कर लगा लगा कर उसे प्रधानमंत्री आवास मिला था कि मकान पर छत डालने के लिए किस्त का इंतजार कर रहा था। ऐसी स्थिति में किसी के इशारे पर वन विभाग की टीम दल बदल के साथ पहुंची और उसके मकान को जेसीपी से धराशायी कर दिया। हालांकि बाल किसान ने फॉरेस्ट अमले से काफ़ी मिन्नतें भी की और हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन अमले ने उसकी एक ना सुनी। इस दौरान जो भी उनसे अनुनय विनय करते दिखा तो बंदूक तान कर भगा दिया। एक तरफ वन अमला और आदिवासियों के बीच तूतूमय होती रही, तहस नहस देख और अपने पक्के मकान के सपने को टूटता देख कर फांसी के फंदे पर झूल गया। यह सब कुछ देख वन अमला बालकिशन को बचाने की जगह भागने लगा, जिसे परिजनों ने अपनी सतर्कता के चलते पेड़ से जल्द ही उतार लिया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना होना तय थी। इस घटनाक्रम के वीडियो मीडिया के आसपास आते मामले का खुलासा किया गया। आर इंदिरा प्रशासन ने इसे पूरी तरह से छिपा ही लिया था। वन विभाग के नुकसान की भरपाई राजस्व को करनी पड़ी। खास बात तो यह है कि सरकार आदिवासियों के संरक्षण की बात कह रही है, यहाँ तक कि उन्हें वन भूमि पर बसने के लिए पट्टे वितरित भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर विभाग आदिवासियों के सपनों को तहस नहस करने में लगा है। इससे स्पष्ट होता है कि वन महकमा दबंगों को संरक्षण दे रहा था तो गरीबों के आसियानों को उजाड़ने में लगा हुआ है। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि घटना कहीं तूल न पकड़ ले, इसको लेकर तहसीलदार घटना स्थल पर पहुंचे और वन अमले के नुकसान की भरपाई 1 लाख रुपए नकद बालकिशन को प्रदान कर दिलासा दी गई, जिससे वह कहीं सिकवा शिकायत न करे। बालकिशन के पुत्र रमेश ने बताया कि उनके पिता को बड़ी मुश्किल से परिजनों ने बचाया है। हम 40 साल से झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और उन्हें आज तक शासन ने पट्टे भी नहीं दिए, क्योंकि यहाँ राजनीति पहुँच पकड़ वाले लोगों को ही पट्टे दिए गए हैं। मकान तोड़ने के दौरान वन कर्मी महिला पुरुषों पर बंदूक तानने के साथ मारपिटाई भी की। उक्त घटनाओं के संबंध में तहसीलदार गौरी शंकर वनेरा से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।